हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट कैप्सूल का वीडियो है स्लेटर रूल्स के बारे में, ठीक है। सो स्लेटर रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने एक टेबल आपके सामने दिखाया हुआ है। बट स्लेटर रूल किसके लिए होता है? स्लेटर रूल होता है आपका स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट निकालने के लिए। एस मतलब स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, देखिए जेड क्या होता है आपका, न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। मैं इसको जेड एक्चुअल कह दूं, जेड एक्चुअल क्या होता है, हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है जिसके आधार पे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। बट न्यूक्लियस से जब हम शेल्स की तरफ जाते हैं तो क्या आ जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको क्या करती है, इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्क्रीन करने लग जाते हैं, राइट। उस स्क्रीनिंग की वजह से जो एक्चुअल आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो वहां पर क्या पहुंचता है, कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है, जिसे हम जेड इफेक्टिव से बता देते हैं। तो जेड इफेक्टिव एक्चुअली क्या होता है, जेड एक्चुअल माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। अब इसी स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल। अब इस पूरे स्लेटर रूल को मैंने क्या किया हुआ है, इस टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, ठीक है। सो पहले तो आप क्या करोगे कि किसी भी एटम की बात की गई है, उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे किस फॉर्म में, n n माइनस वन n माइनस टू के फॉर्म में। n रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब आप एक ग्रुप बनाओगे आपके n प्रिंसिपल क्वांटम वाले सारे ऑर्बिटल्स का, n माइनस वन प्रिंसिपल क्वांटम के सारे ऑर्बिटल्स का, n माइनस टू का, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बात कर रहे हो, आप पता करना चाहते हो कि उस पर कितना स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन की अगर ऑक्यूपेंसी s या p ऑर्बिटल में है तो एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। अगर वो p और d और f में है तो एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अगर जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं अगर वो s या p ऑर्बिटल में है और अगर वो n शेल में है तो उस पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.35 से, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर n माइनस वन शेल में है तो 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर n माइनस टू हो या उससे भी ज्यादा कोई और शेल्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ठीक है। और इन सबको जब ऐड कर देते हो आपको क्या निकल के आता है, s निकल कर आता है, ठीक है, मतलब स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट निकल के आता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ कंसिडरेशन अगर आपका d या फिर f ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका n शेल के अंदर लाई करता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को 0.35 से, ओके। बट अगर वो n माइनस वन में है या n माइनस टू में है या n माइनस थ्री में है और सो ऑन में है, इन ऑल द केसेस यू विल मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 1, ओके, एंड यू विल एड द टोटल वैल्यूज टू गेट द टोटल स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन सामने से करूं कि मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, मुझे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, दो जो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन जो मैं बोल रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो पी शेल के अंदर है, तो एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूं उस पर बात करना चाहते हैं कि कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, तो बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन भी इस पर अपना कुछ ना कुछ इफेक्टिव स्क्रीनिंग कांस्टेंट डालेंगे, राइट। तो अब ये हो गई आपकी कौन सी शेल, एन शेल, ये हो गई आपकी एन माइनस शेल, ठीक है। तो इसके लिए एस कितना निकल के आ जाएगा, देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है वो पी शेल पे है और अगर वो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर है तो क्या हो जाएगी, 0.35 हो जाएगा, ठीक है। सो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके n शेल के अंदर, दो तो s के अंदर है और दो p के अंदर है, सो क्या हो जाएगा, 4 × 0.35, ओके, प्लस अब जो n माइनस वन शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.85 से, 2 × 0.85, ठीक है। इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, कुछ जो भी वैल्यू आएगी, सपोज कितनी आ जाएगी, 0.35 × 4, ये हो जाएगा आपका 1.4, ये हो जाएगा आपका 1.4
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 × 0.85, ये हो जाता है आपका 1.70, तो ये आ जाएगा आपका 2.10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2.10 इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे नाइट्रोजन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो कितना होगा, जेड एक्चुअल माइनस एस, और जेड एक्चुअल कितने हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, कितना पॉजिटिव चार्ज है 7 का, माइनस 2.10 कर दो, सो 7 माइनस 2.10 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.9, राइट 4.9। इसका मतलब आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन का, उस पे सिर्फ 4.9 का ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। जस्ट कंसिडर कि जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन उसके लेफ्ट में है वही स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेंगे, अगर उसके राइट में है तो उनका कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं ये बोल देती कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल ना होकर इसके कौन से होते, 2s का इलेक्ट्रॉन होता, 2s के इलेक्ट्रॉन पर ये 2p के इलेक्ट्रॉन्स का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये कहां पर है, राइट में है, ठीक है, ये और आउटर साइड में पड़ रहे हैं, इस वजह से कोई असर नहीं होगा। स्क्रीनिंग का असर कब होता है, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो उसके बीच में, उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो उसके बाद में अगर कोई और इलेक्ट्रॉन है उनका कोई असर नहीं होने वाला है जेड इफेक्टिव पर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्लेटर्स रूल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट बायजूस एग्जाम पे। बाय बाय एवरीवन।